हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई टू मैथ क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एसएससी जीडी 2023 में पूछे जाने वाले प्रश्नों को, यानी कि यह आपका एनालिसिस यानी कि एनालिसिस का यह वीडियो है। आपका जो 10 तारीख को परीक्षा यानी कि 10 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उसमें मैथ के किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज हम आपको वही सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न यानी कि हमारे पास प्रश्न में क्या पूछा था, आज हम उसी पर वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न में हमारे पास क्या दिया था, प्रश्न में हमारे पास दिया था मूलधन 80,000 रुपये और मिश्र धन 1,17,128 रुपये। यानी कि हमारे प्रश्न में मूलधन दिया था और मिश्र धन दिया था और रेट भी दिया था, यानी कि दर भी हमारे पास दिया था और हमसे टाइम पूछा था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में यानी कि एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए हमें टाइम बचाना है। तो देखिए, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ब्याज। यानी कि मिश्र धन को हम यानी कि अमाउंट माइनस मूलधन को हम अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ब्याज यानी कि एसआई आएगा। तो देखिए दोस्तों, अमाउंट हमारे पास दिया है 1,17,128 और इसमें से हमें 80,000 माइनस करना है। तो देखिए, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 में 0 गया 8, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 और 11 में 8 गए 3, यानी क्या हो गया हमारे पास एसआई। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो देखिए, मूलधन यहाँ से हमारे पास 8,000 यानी कि 80,000 दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000 यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास 80,000 गुणे दर यानी कि रेट हमारे पास दिया है 10% गुणे टाइम हमें बताना है, तो टाइम को हम इसी पर खींचते यानी कि टी लिखेंगे, बटे में हो गया हमारे पास 100 यानी कि बटे में 100 और बराबर में रेट यानी कि दर हमारे पास दिया है 37,128 रुपये, यानी कि यहाँ से हो गया 37,128। अब इसी को हम सरल करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा, यानी कि 2 0 2 0 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचा हमारे पास 800 गुणे 10 है, तो यहाँ से 1 0 और बढ़ा लेंगे तो यह हो गया 8,000 गुणे टी यानी कि टाइम बराबर में 37,128। तो देखिए, अब इसको यहाँ से हम अगर इसको अब यहाँ पर यानी कि पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यह हो जाएगा 37,128 बटे में 8,000। इसी को हम काटेंगे जो हमारे पास मान आएगा यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा होगा टाइम, यानी कि वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, यह तो रहा पहला प्रश्न। अब देखिए हमारे यानी कि पेपर में दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया था 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 72 रुपये है और मूलधन हमारे पास 20,000 रुपये दिया था और रेट हमसे पूछा था। तो देखिए, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है यानी कि 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई का एक फार्मूला होता है, जैसा कि सीआई माइनस एसआई बराबर पी इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 यानी कि 100 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा 2 वर्षों का सीआई और एसआई का अंतर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से सीआई और एसआई का अंतर कितना है हमारे पास, यहाँ से अंतर हमारे पास दिया है 72 रुपये। आपके वैल्यू यानी कि वैल्यू कोई भी हो सकता है, यानी कि वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से हो गया 72। अब देखिए, मूलधन यहाँ से हमारे पास दिया है 20,000 रुपये गुड़े आर हमें पता करना है, तो आर को हम उसी तरीके से लिख देंगे, बटे में 100 का गुड़ा 2 बार करेंगे तो 100 गुड़े 100 हो गया।
अब देखिए यहाँ ऊपर चार जीरो है, चार जीरो से नीचे चार जीरो कट गया। अब देखिए दोस्तों बचा क्या हमारे पास, दो से हम 72 को काटेंगे कितना होगा 36। तो देखिए यहाँ से हो गया हमारे पास 36 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो गया अंडर रूट 36 बराबर में आर, तो आर बराबर यहाँ से हो गया हमारे पास 6, यानी कि अंडर रूट 36 का मान होता है 6, यानी कि रेट हमारे पास हो गया 6%। यही होगा हमारा राइट उत्तर, यानी कि यह तो रहा 2 वर्षों का सीआई और एसआई, आपको 3 वर्षों का भी एसआई और सीआई का अंतर पूछा जा सकता है। तो फिर चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी कि हमने 3-4 प्रश्न लिए हैं जो हमको आसानी से प्राप्त हो गया था। तो देखिए फिर तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 6:24 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, प्रथमा अनुपात या मध्य अनुपात निकालने के लिए हमने आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया था, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए आपके पेपर में पूछा गया तो आप इसको भी हल करना सीख लें। तो देखिए मध्य अनुपात मतलब होता क्या है, जैसे देखिए ए अनुपाते बी समानुपाते, बी अनुपाते सी, तो देखिए मध्य अनुपात हो गया हमारा बी और बी, यह हो गया हमारा मध्य अनुपात। हमारे पास दिया है ए, यानी कि ए का मान 6 और सी का मान 24 यानी कि 24, तो यह हो गया बी स्क्वायर बराबर सी बाई ए। तो देखिए सी का मान कितना है 24 है, तो यहाँ से हो गया बी स्क्वायर बराबर 24 बटे ए का मान 6 हो गया। इसको काटेंगे तो कितनी बार गया 4 बार जाएगा, तो यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो गया 4 और तो बी बराबर हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 होगा। यही होगा हमारा राइट उत्तर। इस तरह के यानी कि इतने सरल सरल प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे सभी वीडियो को देखेंगे तो आपका 20 में से 18 या 19 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न भी आपको हमने आपके लिए हमने बनाया था। तो देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है, मेरे पास एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है, पहले वर्ष में वह 15% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में वह 20% घटती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए हमारे पास जनसंख्या कितनी दी हुई है, जनसंख्या हमारे पास वर्तमान की दी हुई है, हमके बात को पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे 1,26,800, अब इसका गुणा कर देंगे हम 15% बढ़ती यानी कि 115/100, यानी कि 100 में 15 को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 115/100 गुणे, अब दूसरे वर्ष में 20% घटती है, 20% घटने का मतलब 80/100, क्योंकि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 होगा। यही हम हल करेंगे तो हमारा फाइनल उत्तर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्षों में पूछा है, पहला वर्ष यह हो गया, दूसरा वर्ष यह हो गया। अब देखिए 1,020 कट गया, यहाँ से 1,10 कट गया, अब हमारे पास नीचे बचा कितना 10 को हम 2 से काटेंगे तो 5 बार, 8 को काटेंगे तो 4 बार। अब देखिए 5 से 115 को काटेंगे तो यह हो गया 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास 1,268 गुणे 23 गुणे 4। अब इसी को हम हल करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा, यानी कि इसे आप हल करके देख लीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों इसी तरीके के एनालिसिस यानी कि रियल एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।